Okay, student, in the last video I have told you about in the human beings for control and coordinations we have two types of the system. Okay, first we have peripheral nervous system, second we have autonomic nervous system. Okay, so first of all we will discuss about the peripheral nervous system. Okay, so what is a peripheral nervous system? As all of you know, all the nerves of the body, they together make up the पेरिफ्रल नर्वस सिस्टम. मतलब बॉडी के अंदर जितनी भी नर्व्स हैं वो सारी मिलके पेरिफ्रल नर्वस सिस्टम बनाती है. ओके, ऑल दे एंटर और लीव द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ओके, ये सारी जितनी भी नर्व्स है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के एंटर भी करती है, उससे एग्जिट भी होती है. मतलब वहाँ पे भी जाके अपना वर्क करती हैं. ओके, सो द थ्री टाइप्स ऑफ द नर्व्स विच मेकअप द पेरिफ्रल नर्वस सिस्टम, दीज आर द स्पाइनल नर्व्स, cranial nerves and the visceral nerves. Means in the peripheral nervous system we have the three types of the nerves. Okay, so first we have spinal nerves. What is a spinal nerve? That is arise from the spinal cord. Okay, and spread throughout the body except head. मीन्स वो स्पाइनल कॉर्ड से स्टार्ट होके सारे बॉडी पार्ट तक जाती है एक्सेप्ट हेड. हेड में स्पाइनल नर्व्स नहीं होती. ओके, सेकेंड वी हैव क्रेनियल नर्व्स. सो क्रेनियल नर्व्स दे अराइज फ्रॉम द ब्रेन एंड दे स्प्रेड थ्रू आउट द हेड. मीन्स यहाँ पे हमने बोला था एक्सेप्ट हेड, मतलब हेड के अंदर कौन सी नर्व्स होंगी हमारी, क्रेनियल नर्व्स. ओके, सो थर्ड वी हैव विजरल नर्व्स. सो वट आर द विजरल नर्व? दैट आर प्रेजेंट इन बोथ, मीन्स इन स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, दैट आर कॉल्ड एज द विजरल नर्व्स. ओके, मीन्स विच आर प्रेजेंट ओनली इन द बॉडी दैट आर कॉल्ड एज अ स्पाइनल, विच इज प्रेजेंट इन हेड और द ब्रेन दैट इज अ क्रेनियल नर्व्स, एंड विच आर प्रेजेंट ऑन बोथ. ओके, इन द होल बॉडी एंड इन द हेड ऑल्सो, सो दीज आर कॉल्ड एज द विजरल नर्व्स. ओके, क्लियर? सो ऑल द थ्री नर्व्स दे कंटेन बोथ टाइप्स ऑफ द नर्व्स. मतलब इन तीनों की भी आगे दो दो टाइप्स की नर्व्स होती हैं. कौन कौन सी? सेंसरी नर्व्स एंड द मोटर नर्व्स, जो हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था, है ना. सो सेंसरी नर्व्स विच कैरी मैसेज फ्रॉम ऑर्गन टू ब्रेन, मोटर कैरी मैसेज फ्रॉम ब्रेन टू ऑर्गन. ओके, सो स्पाइनल नर्व्स हैज ऑल्सो सेंसरी एंड मोटर नर्व्स, क्रेनियल ऑल्सो हैव द सेंसरी एंड मोटर नर्व्स, एंड विजरल दे हैव ऑल्सो सेंसरी एंड द मोटर नर्व्स. ओके, क्लियर? सो बिफोर डिस्कसिंग हाउ दिस ऑल द टाइप्स ऑफ द नर्व्स दे आर हेल्पफुल इन कोऑर्डिनेटिंग अवर नर्वस सिस्टम, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट अ टर्म दैट इज कॉल्ड एज अ रिफ्लेक्स सेक्शन. क्योंकि रिफ्लेक्स सेक्शन को समझना बहुत जरूरी है अगर हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को समझना है तो. ओके, सो व्हाट इज अ रिफ्लेक्स सेक्शन? सो इट इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रिस्पॉन्स. मतलब अगर हम किसी भी स्टिमुलस का इमिजिएटली रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो वो क्या है हमारा? रिफ्लेक्स सेक्शन. ओके, सो इट इज अ रैपिड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस विच इज नॉट अंडर आवर कंट्रोल ऑफ द ब्रेन. मीन्स विच इज नॉट अंडर आवर कंट्रोल. ओके, एंड इट इज डिस्क्राइबड अ इनवॉलंटरी एक्शन. ओके, बिकॉज दीज आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल. So involuntary action is that action which is not under our control. Okay, so the reflex action is one which we perform automatically. So this action perform will be automatically. मतलब automatically reflex action होता है, हम इसमें कुछ कुछ नहीं कर सकते, है ना. So देखो, so it is a comparatively simple form of the बिहेवियर इन विच द सेम स्टिमुलस प्रोड्यूस द सेम रिस्पॉन्स एवरी टाइम. मतलब सेम ही स्टिमुलस होता है और सेम ही रिस्पॉन्स हमें जो वापस हमें देता है, ठीक है. सो इफ वी अनोइंगली टच ए हॉट ए प्लेट, ओके, वी इमिजिएटली मूव अवर हैंड अवे फ्रॉम इट. एज ऑल ऑफ यू नो, अगर हम गर्म प्लेट को छू ले तो हम साथ के साथ अपना हाथ पीछे कर लेते हैं. ओके, सो द मूविंग अवर हैंड अवे ऑन टचिंग अ हॉट प्लेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द रिफ्लेक्स सेक्शन. तो वो क्या है? रिफ्लेक्स सेक्शन है. ओके, सिमिलरली मूविंग ओवर अ फुट अवे वेन वी स्टेप ऑन द समथिंग शार्प थिंग. ओके, किसी शार्प चीज के अगर हमारा हाथ पैर आ जाए तो हम साथ के साथ उसको पैर को पीछे कर लेते हैं, तो वो भी क्या है? रिफ्लेक्स सेक्शन है. ओके, ए नी जर्क, मूवमेंट ऑफ द डायाफ्राम, कफिंग, जोनिंग, ब्लिंकिंग ऑफ आईज, स्नीजिंग, सो ऑल दीज आर द रिफ्लेक्स सेक्शन. हम स्नीज कर रहे हैं, हम योनिंग कर रहे हैं, उबासी ले रहे हैं, छींक लगा रहे हैं, सो ये सभी क्या चीजें? रिफ्लेक्स सेक्शन है. ओके, सो इन द रिफ्लेक्स सेक्शन वी आर अनअवेयर दैट एनीथिंग इज गोइंग टू बी हैपन टू अस. जब रिफ्लेक्स सेक्शन होता है तो हमें पता भी नहीं होता कि हमारे साथ क्या चीज़ होने वाली है,
ओके प्लीज इस टॉपिक को ध्यान से सुनना, रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में जो आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने लिखा नहीं है, सिर्फ आपको सिंपल हिंदी लैंग्वेज में इसको समझा रही हूँ, इसका मीनिंग। ओके सो देखो, रिफ्लेक्स एक्शन में जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें हमें पता भी नहीं होता कि हमारे साथ क्या चीज़ होने वाली है और क्या चीज़ हो गई है, इसके बारे में भी हमें पता नहीं चलता कि चीज़ कैसी हो गई है ना। सो द रिफ्लेक्शंस आर द एक्शंस विच वी डू विदाउट थिंकिंग टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ, कि हम सोचे बिना ही अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया। जैसे हमने गर्म चीज़ को छुआ, साथ के साथ अपने हाथ पीछे कर लिया, हमने एक मिनट भी नहीं सोचा कि हमने हाथ पीछे करना है या नहीं कर रहा है, इमिजिएटली हमारा तो ऑटोमेटिकली पीछे आ गया है ना। फॉर एग्जाम्पल, कफिंग इज ए रिफ्लेक्स एक्शन विच क्लियर्स आउट द विंड पाइप। कफिंग कर रहे हैं हम, ठीक है, खांसी करते हैं, तो वो भी क्या है, एक रिफ्लेक्स एक्शन है, वो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है, ठीक है। प्यूपिल ऑफ आवर आईज गेट स्मॉलर इन द ब्राइट लाइट, जब हम ब्राइट लाइट के अंदर जाते हैं तो हमारी आईज ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है, वो भी क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है, ठीक है। और जो डिम लाइट है, डिम लाइट के अंदर हमारी आईज ओपन हो जाती हैं, है ना, तो वो भी क्या है, एक रिफ्लेक्स एक्शन है। ओके सो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको एग्जांपल दी, ये सभी रिफ्लेक्स एक्शन की एग्जांपल है। मींस वो वाला एक्शन जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, वो ऑटोमेटिकली हमें भी नहीं पता होता कि ये कब हो गया, तो वो क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है। ओके क्लियर। सो द पाथवे टेकन बाय द नर्व इम्पल्स इन द रिफ्लेक्स एक्शन, अब रिफ्लेक्स एक्शन जब होता है तो हमारे ऑर्गन से लेके ब्रेन तक का सारा पाथ जो कवर करता है, वो सारी नर्व्स कवर करती हैं, उस सारी चीज को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। ओके सो व्हाट इज द रिफ्लेक्स आर्क, द टोटल रूट टेकन बाय द नर्व्स, द टोटल रूट टेकन बाय द नर्व्स, मतलब सारा काम कौन कौन कर रही है, हमारी बॉडी के अंदर नर्व्स ही कर रही है, तो वो कौन कौन सी नर्व्स वो वाला सारा रूट फॉलो कर रही हैं रिफ्लेक्स एक्शन को करने के लिए, तो सारे रूट को हम क्या बोल देते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। ओके सो रिफ्लेक्स एक्शन इज ए ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। ओके एन एग्जाम्पल ऑफ द वे इन विच वी रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस इज अवर रिएक्शन टू टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, वेरी क्विकली एंड विदाउट थिंकिंग वी पुल अवर हैंड अवे, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको पहले भी एग्जांपल दिया है, हॉट प्लेट को जब हम करते हैं तो साथ के साथ हमारा हाथ पीछे क्यों हो जाता है, ऐसी कौन सी चीज़ उसके अंदर हुई कि उसने हमें सोचने का भी टाइम नहीं दिया, एक मिनट तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, इवन 5 और 6 सेकंड भी हमने नहीं सोचा, हमने साथ के साथ हाथ को पीछे कर लिया, है ना। तो ऐसा क्यों होता है, देखो, ओके टू अंडरस्टैंड दिस रिफ्लेक्स एक्शन एंड हाउ व्हाट इज द मैकेनिज्म दिस रिफ्लेक्स एक्शन, सी दिस डायग्राम। ओके सो इन दिस डायग्राम यू हैव टू सी, दिस इज द हैंड ऑफ अ पर्सन। ओके वेन एवर ही टचिंग द हॉट प्लेस ही इमिजिएटली गेट रिस्पॉन्स एंड वी पुल अवर हैंड बैक। ओके सो वाई दिस थिंग हैपन, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ए हॉट प्लेट। ओके हेयर हॉट प्लेस इट इज ए सेंस्ड बाय द हीट रिसेप्टर, सो हेयर हॉट प्लेट दिस इज द थिंग दैट इज अ स्टिमुलस, किसने स्टिमुलस को फर्दर दिया मैसेज, हैंड को, ठीक है। सो यहाँ पे हैंड हमारा क्या हो गया, रिसेप्टर, जिसने वो मैसेज वहाँ से लिया, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिसेप्टर। नाउ रिसेप्टर ट्रिगर एन इम्पल्स, तो वो रिसेप्टर क्या करेगा, एक इम्पल्स जनरेट करेगा हमारे अंदर। ओके सो दैट इम्पल्स इन द सेंसरी न्यूरॉन विच ट्रांसमिट मैसेज टू द स्पाइनल कॉर्ड, ट्रांसमीटर ने, क्योंकि हमने कल भी पढ़ा था कि जो हमारा मैसेज है वो एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू आगे की आगे जाता है ना, तो वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स किसने जनरेट किया, रिसेप्टर ने, रिसेप्टर ने वो इम्पल्स किसको दे दी फर्दर, हमारी सेंसरी नर्व, ये वाली जो पिंकिश कलर की आप देख रहे हो ये क्या है, हमारी सेंसरी नर्व है। सो सेंसरी नर्व्स के थ्रू ये मैसेज, देखो एरो कहाँ पे जा रहा है हमारा, यहाँ पे क्या है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड, मतलब रिसेप्टर ने मैसेज सेंसरी नर्व्स के थ्रू किसको दे दिया, स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है। नाउ इम्पल्स ट्रांसमिट दिस टू द रिले न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड ने इसको किसको दे दिया, रिले न्यूरॉन, न्यूरॉन क्या होती है, दैट इज अ मिक्स्ड न्यूरॉन विच फंक्शन एज बोथ सेंसरी एंड द मोटर नर्व्स। ओके दैट इज अ इंटरकनेक्शन बिटवीन सेंसरी नर्व्स एंड द मोटर नर्व, सो इन दोनों के बीच वो इंटरकनेक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं रिले न्यूरॉन, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड ने वो वाला मैसेज दे दिया रिले न्यूरॉन, ये वाली जो ग्रीनिश कलर की यहाँ पे शो आ रही है। ओके नाउ नाउ इन टर्न इट पास टू द मोटर न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन से जो मैसेज है वो किसके पास गया, हमारा मोटर न्यूरॉन, ये वाली जो ब्लूश कलर की हम लाइन देख रहे हैं, ये हमारी मोटर नर्व है, सो ये ब्लूश कलर की मोटर नर्व है, मोटर नर्व दैट ट्रांसमिट दिस मैसेज टू द मसल्स,
इसने मैसेज किसको दिया? हमारे आर्म्स की मसल को दिया, ठीक है. नाउ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल्स अवर हैंड बैक टू द हॉट प्लेट. ओके, सो मसल जहाँ पे क्या होगी? हमारी कॉन्ट्रैक्ट होगी. जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी तभी साथ के साथ हमने अपना हैंड जो वो बैक कर लिया. ओके, सो यहाँ पे हमारी मसल्स क्या एक्ट कर रही हैं? दैट एक्ट एज ए इफेक्टर. ठीक है, हैंड हमारा रिसेप्टर था और मसल जब बैक उसको मैसेज को लेके आई तो वो यहाँ पे क्या बन गया? हमारा इफेक्टर. ओके, सो द मसल्स इफेक्टर बिकॉज इट रिस्पॉन्स अगेंस्ट द स्टिमुलस. यहाँ पे हम इसको इफेक्टर क्यों बोला? क्योंकि इसने ही हमें उस मैसेज के अगेंस्ट रिस्पॉन्स दिया. ओके, सो दैट्स वाई दिस होल पाथवे फ्रॉम रिसेप्टर टू इफेक्टर, दैट होल पाथवे इट इज कॉल्ड एज द रिफ्लेक्स आर्क. ओके, दैट इज कॉल्ड एज द रिफ्लेक्स आर्क एंड दिस होल फिनोमिना इज कॉल्ड एज द रिफ्लेक्स एक्शन. ओके, क्लियर दिस फिनोमिना? व्हाट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन एंड व्हाट इज अ रिफ्लेक्स आर्क? तो दोनों में डिफरेंस है. आर्क है सारा रूट और रिफ्लेक्स एक्शन क्या है हमारा? इस सारे फिनोमिना को हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं. अब देखो, इस रिफ्लेक्स आपको आर्क को हम एक सिंपल फ्लो चार्ट के फॉर्म में भी शो कर सकते हैं. अगर आपको वो डायग्राम बनाना मुश्किल लगता है तो आप इस फॉर्म से भी, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो इस फॉर्म से भी उसको एक्सप्लेन कर सकते हो. ओके, सो यहाँ पे जैसे देखो, सबसे पहले हमारा स्टिमुलस, स्टिमुलस थी हमारी हीट. हीट ने किसको मैसेज दिया? रिसेप्टर को. थी रिसेप्टर क्या था हमारा? हैंड. रिसेप्टर से कहाँ गया मैसेज? सेंसरी न्यूरॉन के पास. सेंसरी न्यूरॉन ने किसको दिया? स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड से मोटर नर्व. मोटर नर्व से इफेक्टर. इफेक्टर हो गया था हमारी मसल्स. और इफेक्टर से रिस्पॉन्स वापस किसको मिल गया? हैंड को. और हैंड हमारा पीछे हो गया. ओके, अब देखो जहाँ पे हमने किस चीज़ की मेन बात की है? स्पाइनल कॉर्ड की. ओके, तो वो रिफ्लेक्स जो सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही होता है उसको हम बोलते हैं स्पाइनल रिफ्लेक्स. सो ये वाला फ्लो चार्ट किसका बना है? हमारा स्पाइनल रिफ्लेक्स का. ओके, लेकिन कई बार क्या होता है कि स्पाइनल के साथ हमारा ब्रेन भी मैसेज कन्वे करने में हेल्प करता है, तो उस टाइप के जो रिफ्लेक्स एक्शन को हम क्या बोलेंगे? सेरिब्रल रिफ्लेक्स. ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज अ सेरिब्रल रिफ्लेक्स. In which reflex action involves the brain, that is called cerebral reflex. In which spinal cord involved, that is called spinal reflex. Okay, so ये हमने जो अभी example किया है hot plate वाली, वो किसकी example है? Spinal reflex की. So अभी मैं next आपको बताऊंगी एक दूसरी example cerebral reflex की. ठीक है, अब देख. ओके, सो दिस इज अवर सेकेंड एग्जाम्पल. सो एज ऑल ऑफ यू नो, इन द डिम लाइट द पीपिल ऑफ अवर आई इज लार्ज सो दैट मोर लाइट कैन एंटर इन टू द आई. ओके, एंड इन ब्राइट लाइट द रिफ्लेक्स एक्शन मेक्स द पीपिल स्मॉलर सो दिस रिड्यूस द लाइट एंटरिंग द आई. के ब्राइट लाइट के अंदर हमारी आईज क्लोज हो जाती है क्योंकि वहाँ के अंदर लाइट पास होनी थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन डिम लाइट के अंदर हमारी प्रॉपर लाइट अंदर एंटर कर रही होती है और उसका जो पीपल का साइज़ है वो ज़्यादा हो जाता है ना. तो ये सारा मैसेज यहाँ पे तो कोई मसल्स नहीं है, कोई आर्म वगैरह नहीं है, कोई हैंड नहीं है, तो यहाँ पे ये हम ऐसी चीज़ें क्यों करते हैं? ये भी तो हमारा एक रिफ्लेक्स एक्शन की एग्जांपल है ना. तो जहाँ पे हमारा मेन फंडा क्या है, देखो इसका भी मैं आपको फ्लो चार्ट की फॉर्म में बताती हूँ. ओके, सी दिस फ्लो चार्ट. ओके, इसमें आप क्या देख रहे हो? देखो सबसे पहले हमारा स्टिमुलस, यहाँ पे हमारा स्टिमुलस क्या था? लाइट. लाइट कहाँ पे गई? आई के पास. आई क्या है हमारा? रिसेप्टर. रिसेप्टर ने मैसेज दिया सेंसरी नर्व्स को. सेंसरी नर्व ने मैसेज दिया अब ब्रेन को, क्योंकि आई किसके साथ अटैच है? हमारी ब्रेन के साथ. ओके, सो सेंसरी नर्व गिव मैसेज टू द ब्रेन. ब्रेन गिव टू द मोटर नर्व. मोटर नर्व गिव टू द इफेक्टर. हियर इफेक्टर इज द सर्कुलर मसल्स ऑफ द आयरिस. ये हमने आई के स्ट्रक्चर में पढ़ा हुआ है, आयरिस की स्ट्रक्चर. ओके, सो वो क्या है हमारा? इफेक्टर. इफेक्टर ने किस कैसे दे दिया? रिस्पॉन्स. रिस्पॉन्स देते ही हमारी जो प्यूपिल है वो क्या कर जाएगी? श्रिंक कर जाएगी. ओके, और इन द डिम लाइट सेम प्रोसीजर वैसे ही फॉलो होगा. ओके, सो इस टाइप के रिफ्लेक्स को जहाँ पे हमारा ब्रेन एक्ट कर रहा है, सो इस टाइप के एक्शन को हम क्या बोलते हैं? सेरिब्रल रिफ्लेक्स एक्शन. ओके, क्लियर दिस फिनोमिना? अब इन दोनों फिनोमिना में हमने ये पढ़ लिया कि रिसेप्टर से इफेक्टर तक जो मैसेज जा रहा है और हम तक कन्वे हो रहा है ना, तो ये मैसेज एक्चुअली में जा कैसा रहा है? सेंसरी नर्व्स कैसे काम कर रही हैं? मोटर नर्व्स कैसे काम कर रही हैं? और इफेक्टर अपना रिस्पॉन्स कैसे दे रहा है? ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसी से रिलेटेड है. हाउ मसल्स कॉज मूवमेंट, दैट इज अवर नेक्स्ट टॉपिक.
हाउ मसल्स कॉज मूवमेंट, कि अभी जो मसल्स के बारे में हमने पढ़ा कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे और हम अपना हैंड पीछे कर लेते हैं, तो एक्चुअल में वो मसल्स मूव कैसे करती हैं, वो हमारे हैंड को मूव करने में कैसे हेल्प करती हैं, ठीक है? तो इसके लिए ये प्रोसीजर देखो, सबसे पहले क्या होता है, मसल्स मेड फ्रॉम द मसल सेल्स. ओके, नाउ मसल सेल्स हैज ए प्रोटीन विच चेंज देयर शेप अकॉर्डिंग टू द इम्पल्स. ओके, नाउ व्हेन देयर शेप चेंजेस देन सेल कॉन्ट्रैक्ट, मीन्स मसल सेल्स दैट गेट कॉन्ट्रैक्टेड. इफ मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्टेड देन मसल्स आर ऑल्सो कॉन्ट्रैक्टेड एंड दे बिकम शॉर्टर इन द साइज. ओके, सो वेन एवर द मसल्स देट गेट कॉन्ट्रैक्टेड दे पुल ऑन द बोन्स ऑफ द बॉडी पार्ट एंड मेक इट टू मूव. जैसे ही मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई, इसने प्रेशर पाया बॉडी पार्ट्स के ऊपर और बॉडी पार्ट्स ने मूव करना स्टार्ट कर दिया साथ के साथ. ओके, सो ये हो गया हमारा सारा मैकेनिज्म ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मसल्स. ओके, क्लियर? सो ये अभी हमने सब किस चीज़ के बारे में पढ़ा है, रिफ्लेक्स सेक्शन के बारे में, ठीक है? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू टू टाइप्स ऑफ द नर्वस सिस्टम. मीन्स अभी जो हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ा है, इसकी भी आगे टाइप्स होती हैं, ठीक है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सो इट इज़ फर्दर ऑफ द टू टाइप, वन इज़ अ ऑटोनॉमिक और इनवॉलंटरी सिस्टम, सेकेंड इज़ अ वॉलंटरी नर्वस सिस्टम. ओके, अब दोनों में डिफरेंस क्या है, बहुत ईजी है. देखो, इनवॉलंटरी मीन्स विच इज़ नॉट अंडर आवर कंट्रोल. ओके, विच इज नॉट अंडर आवर कंट्रोल, मतलब वो एक्शन जो हमारे कंट्रोल के अंदर है ही नहीं है, मतलब वो जो चीज़ ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी के अंदर हो रही है, ना तो हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं, ना डिक्रीज कर सकते हैं, ना उसको रिमूव कर सकते हैं, मतलब वो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली चल रहा है सारा काम, है ना? जैसे हमारे पास हार्ट बीट, हार्ट बीट कंटिन्यू चल रही है हमारी, ठीक है? नेक्स्ट है हमारी ब्लड वेसल्स काम कर रही हैं नॉर्मल, हमारा उसमें कोई रोल नहीं है. हमारी किडनी प्रॉपर काम कर रही है. ओके, नेक्स्ट किया है हमारे जो हम वो कर रहे हैं, स्नीजिंग कर रहे हैं, ठीक है? कफिंग कर रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट है योनिंग कर रहे हैं. सो ये सारी चीज़ें क्या है, जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, जो ऑटोमेटिकली हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनवॉलंटरी और द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. मतलब सिर्फ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ही है जो इन सभी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है? नेक्स्ट वी हैव वॉलंटरी सिस्टम. सो वॉलंटरी सिस्टम कौन सा होता है, विच इज़ अंडर आवर कंट्रोल. सो विच इज़ अंडर आवर कंट्रोल, जो हमारे कंट्रोल में है, जिसमें को हम आउटसाइड द बॉडी कंट्रोल कर सकते हैं, वो क्या है, हमारा वॉलंटरी एक्शन है. ओके, सो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी में डिफरेंस. वॉलंटरी विच इज अंडर कंट्रोल, विच इज नॉट अंडर कंट्रोल. ओके, अंडर कंट्रोल में कौन कौन सी एग्जाम्पल आएगी, लाइक स्लीपिंग, ठीक है? और वीपिंग, ठीक है? नेक्स्ट डांसिंग, रीडिंग, स्टडिंग. ओके, सो ऑल दीज आर दी रनिंग. सो ऑल दीज आर दी वॉलंटरी एक्शन, जो हमारे कंट्रोल में है, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपनी मर्जी से वो चीज़ कर सकते हैं, तो वो क्या है, हमारा वॉलंटरी एक्शन हो गया. क्लियर? सो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट सेक्शन पार्ट था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, वो कंप्लीट हो गया, ठीक है? सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम.